चिरंदन गौर हरि की, श्री राधा रानी की, श्री मान सरोवर की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्री कृष्ण विरहे राधिका रो दोषा आमी तो सहिते नारी श्री कृष्ण विरहे राधिका रो दोषा आमी तो सहिते नारी श्री कृष्ण विरहे राधिका रो दोषा आमी तो सहिते नारी श्री हरि राधिकार दाता आमी तो सहिते नारी जुगल मिलन सुख रखार करन छाड़ी ते पारी जुगल मिला आमी तो सहिते नारी श्री कृष्ण हरे राधिका रो दाता आमी तो सहिते नारी राधिका चरण आमी तो
सहित नारी श्री हरे राधिकार दाता हम तो सहित नास मंजरी अनंग मंजरी शिरूप मंजरी आर विलास मंजरी सब सुंदर बसे गए सबाई हरे कृष्णा। हम लोग हमरा गुरु वैष्णव गणेर अनुगत्य जे स्थाने से उपस्थित हुए छी इस स्थान नाम मान सरोवर। हमरा प्रथमे अर्ली 80 है जहन हमरा गुरुदेव संगे आसतम ए कुंजर भितरे बसे हरि कथा होतो। देखुन अनेक एखनो जायगा छे पासे जरा बसते जायगा पान नाय और पीछन दिक हुए कैसे जाने अनेक जायगा आछे। কেউ গাছের উপরে বসবেন না,
এই গাছ সাধারণ গাছ নয়, এনারা অনেক অনেক যুগ ধরে তপস্যা করছেন রাধা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করার জন্য। সাধারণ গাছ নয়, এখানে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, উনি কৃষ্ণের ব্যবহারের জন্য, ওনার অনাদর করার জন্য উনি মান করে এখানে চলে আসেন। ওনার চোখের জলে এই সরোবর তৈরি হয়, এই জন্য মান সরোবর, মান করে আসার জন্য এবং চোখের জলে সরোবর তৈরির জন্য মান সরোবর। এখানকার স্থান মহিমা সম্বন্ধে ভক্তগণ বলবেন, আমি প্রথমে শ্রীধর মহেশ অনুরোধ করি, উনি স্থান মহিমা শ্রবণ করেন শ্রী শ্রীধর মহারাজ। যদি না দিই মান করে, যখন অন্যান্য এসে মান করে তাহলে হবে, এই জন্য আগে বলুক। হরে কৃষ্ণ জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়স্তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। রাধাকরাবচিতপল্লভবল্লরীকে রাধা পদাঙ্ক বিলস মধুর স্থলীকে রাধাঙ্গজসমুখম খঙ্গাঙ্গ বলিকে রাধা বিহার বিপিনে রমতাঙ্গ মনোমে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ বল হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম 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 হরি। বার জোর করে বলো বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হম লোক গুরু বৈষ্ণব কে আনুগত্য মে শ্রীধাম ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করতে করতে অভি জি স্থান পর উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ। ইয়ে স্থান কা নাম মান সরোবর হ্যাঁ। অভি মাধব মহারাজ বতা রে থে না, জব হম গুরুজি কো সাথ মে আতে থে ইহি বৈঠতে থে, ইসি কে অন্দর মে হম বৈঠা করতে থে, অর গুরুদেব একদম ভাব ভাবিষ্ট হো জাতে থে, ক্যোঁকি গুরুদেব হে কোন, রাধা রানী কি নিত্য ইয়ে মঞ্জরি রমণ মঞ্জরি হে। इसलिए महाराज जी उसी भाव में आविष्ट होकर के अपना जो कुर्ता को उतार करके महाराज जी इसको अंदर में साष्टांग प्रणाम करते थे एकदम, और ये धूल में लौट बोट खाते थे। और गुरुदेव कहते थे देखो ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष को साधारण मत समझो। गुरुदेव विशेष कर कहते थे कि ये वृक्ष नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग है, यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए अक्सर करके वृक्षों को देखना, वृक्ष ऐसे ऊंचा होता है ना, लेकिन ये वृक्षों को देखो कोई ऊंचा नहीं, देखो वहां पर देखो ये वृक्ष जैसे लेटा हुआ है, वहां पर देखो ये वृक्ष देखो लेटे हुए है। गुरुदेव कहते थे ये वृक्ष नहीं, ये सबके सब ऋषि मुनि लोग यहाँ पर वृक्ष रूप में ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये वृक्ष रूप में सबके सब ऋषि मुनि लोग जन्म ग्रहण किए है। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल और बत बत में श्री राधे राधे। इसलिए देखो ये वृक्ष स्वाभाविक रूप में कुंज जैसे बना हुआ, स्वाभाविक रूप में ये कुंज बना हुआ। इसलिए हम लोग और गुरुदेव और एक बात कहते थे, जैसे राधा रानी मान करके टेढ़ी बन गई ना, मान टेढ़ी हो जाती है, गुरुदेव कहते देखो ये वृक्ष को सब टेढ़े बैठे, कि देखो ये वृक्ष को सब टेढ़े बैठे। गुरुदेव कहते थे मानो ये वृक्ष भी राधा जी की भाव में विभावित होकर के ये वृक्ष भी ये टेढ़े मेढ़े बने हुए, ये वृक्ष भी सब देखो सब टेढ़े मेढ़े बने हुए। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे विशेष करके वृंदावन में दो स्थान हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण, कहते कौन सा स्थान, बोले वृंदावन में श्री सेवा कुंज और ये एक श्री मान सरोवर, ये मान सरोवर और श्री सेवा कुंज, ये विशेष करके ये दो स्थान की गुरुदेव बड़ा महत्व गुरुदेव दिया करते थे। इसलिए अभी हम जहाँ पर पहुंचे हैं स्थान का नाम मान सरोवर है। कहते जो मान सरोवर बना कैसे,
कृष्ण जब वृंदावन में रास कर रहे थे, रास करते करते जो राधा रानी का कभी मान हुई, बोले मान हुई क्यों, बोले विभिन्न कारण से मान होता है। मान इसलिए हुई, एक दिन राधा रानी क्या की थी, एक सुंदर फूलों की माला बनाई और जो बिना धागा की वो माला है, और बड़ी जतन पूर्वक माला बना करके उन्होंने श्री श्याम सुंदर के गले में पहनाए। तो अभी माला पहन लिए, अभी जब राधा रानी से कृष्ण मिलेंगे, जो माला है बीच में ये एक तरह का बाधा देने वाली है, इसलिए कृष्ण ये माला को उतारे और इसे पेड़ के ऊपर में कृष्ण लटका दिए। तो इतने में एक सूग ने, एक तोता ने वो माला को पकड़ कर चोंच में वो उड़ते हुए जा रहा था। जब जा रहा था इतने में श्री चंद्रावली ने वो देखा, वो माला को बुला रही, ये तो कृष्ण प्रसाद ही है। उन्होंने अनारा की दाना की लोभ दिखा करके तोता को बुलाया और तोता अनारा दाना उसको बड़ा प्यारा है, और जब आए बोले ये अनार लो और ये माला हमें दे दो। तो उन्होंने श्री माला श्री किसको दे दिया, उन्होंने दे चंद्रावली को। चंद्रावली ने किया कि वो माला को लेकर के अपना जो केस है, चोटी है, जुड़ा है, उसमें सुंदर करके उन्होंने अपना जुड़ा में सुंदर करके श्रृंगार कर दी। थोड़ी देर बाद में ललिता देखती है राधा रानी इतने प्रेम और इतनी प्रीति पूर्वक उन्होंने माला दी है किसको, श्याम सुंदर को, लेकिन ये माला कहाँ पर। अब ये चंद्रावली उनका जो विरोध पार्टी चंद्रावली की ना खोपा में सर में। इतने में ललिता ने राधा रानी को बोले हे राधे, लगता है ये श्याम सुंदर प्रेम करना नहीं जानते, ये प्रेम करना इनको आता नहीं, कहा तुमने इतने प्यार से माला बनाया और माला देखो कहाँ पर है। बस राधा रानी तो मान कर ली, ये कारण से कभी राधा रानी और कभी मान की रास लीला करते करते, कभी राधा रानी देखा कृष्ण चंद्रावली को गलवेनिया दे करके रास करते हुए, उसको देख कर कभी मान की, जो मान किए अभी हमारे मंदिर को पास में चार गली है, दान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली, ये चार गली है। वो चार गली में एक गली मान गली है। राधा रानी वो जो मान गली सही होते हुए राधा रानी यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आकर के जो सरोवर है, राधा रानी क्रंदन करते 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 उनकी आंसू से ही संपूर्ण ये सरोवर पानी बन गया, पूरा पानी पानी हो गया सरोवर। आप बोलोगे आंखों से कभी इतना पानी निकलता है जो कि ये सरोवर बन गया। कहते हम लोगों के लिए असंभव है, लेकिन राधा रानी के लिए कोई असंभव नहीं। इसलिए चैतन्य भागवत में पढ़कर देखना, जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते थे, हाँ, राधा भाव में विभावित होकर के, कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के, उसी समय महाप्रभु की आंखों से इतने आंसू बहते थे, जैसे पिचकारी होता है ना, पिचकारी, आस पास के लोग भीग जाते थे, और जहां पर महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते थे वहां कीच कीच हो जाता, कीचड़ कीचड़ हो जाता था। इसलिए ये असंभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी सारे प्रेम की समुद्र श्री राधा रानी है, ये असंभव नहीं। इसलिए ये सरोवर नहीं, राधा रानी के आंखों का आंसुओं से ये भरा हुआ सरोवर है। इसलिए इसको आचमन लेने से क्या होगा, हमारे हृदय में भी प्रेम की प्रकट होगी। इसलिए जो मान सरोवर है, श्री रूप गोस्वामी कहते श्री श्री उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में ये मान की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। कहते भैया ये मान कब होता है, क्यों होता है, और मान कितने तरह का। कहते मान तभी होता है प्रिया प्रियतम पास में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर में तो भावना किया है, दोनों के प्रति तो प्रेम है, अंदर भावना दोनों दोनों में मिले, लेकिन कभी किसी कारण से क्या होता है, अंदर इच्छा किया दोनों आलिंगन करे, चुंबन करे, इच्छा है, लेकिन ऐसे एक विषय आकर के पहुंच गया जो दोनों को मिलन करने नहीं दे रहा है, दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, हाँ? लेकिन हृदय में प्रेम है, कब हम दोनों एक साथ में मिले, हाँ? लेकिन वो मिलने नहीं दे रहा है, मिलने नहीं दे रहा है, इसलिए इसको कहते क्या, ये मान। कहते भैया मान कब होता है, मान किए हो कभी कभी, कौन कौन किए हो मान, सबके सब जितने माता है सबके सब मान किए होगी। कहते जो मान कब होता है, कहते ये कहते ये मान कब होता है, तब रूप गोस्वामी कहते मान तभी होता है जब पत्नी को पता चले, प्रिया को ये पता चले, अगर मैं मान करूंगी जब तक मेरे प्रियतम मेरे को नहीं मनाएंगे ना, तब तक वो रह ही नहीं सकते हैं, जरूर ये मेरे को मनाएंगे, तभी जाकर कोई स्त्री मान करती है। अगर मान कर पति को पिटाई करना शुरू कर दे तो पत्नी को भी मान नहीं करेगी, जब पता चले ये मनाए बगैर रह ही नहीं सकता है,
नहीं तो पेट कर रोटी हजम नहीं होगी। तब जाकर प्रिया तभी मान करे, उसको पहले कभी ये मान नहीं करती है। कहते जो मान है ये दो तरह का मान है, कहते एक सहेतु की और एक अहेतु की, एक कारणों को लेकर और एक बिना कारणों को लेकर होता है। कहते जो कारणों को लेकर जो मान होता है, कहते वो तीन कारण से मान होता है। तीन कारण क्या है? बोले देख करके, सुन करके और अनुमान करके। ये तीनों कारण से मान होता है। पहला बताए सुन करके। बोले क्या, कैसे सुन करके? अभी कृष्णा गोचारण करते हुए कृष्ण आए, कहाँ पर आए? कृष्णा कुसुम सरोवर, वहीं पर वृंदा देवी है, राधा रानी को द्वारा भेजा हुआ एक सुंदर पान की तांबूल और उनको लिए सुंदर एक माला, कान में दो सुंदर चंपक पुष्प की फूल दे करके वृंदा देवी को भेज देती है। कौन? राधा रानी श्याम सुंदर को दे दो। अभी श्याम सुंदर उस चीज को पा करके, राधा की हाथ का तांबूल और चंपक पुष्प का रंग कैसे? बोले राधा रानी की कलर जैसे है। उसको दे करके और राधा जी की हाथ की तांबूल खा करके, पान की बिड़िया खा करके, कृष्ण के हृदय में तो प्रेम जागृत होता है। कब श्री राधा रानी को साथ में मिले? अभी राधा रानी को साथ में मिलने के लिए कृष्ण बहाना बनाते हैं। सखाओं को बोले देखो आज कहीं एक विशेष निमंत्रण है, मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ। बास कृष्ण कहाँ आ रहे हैं? यहीं पर श्री राधा रानी सुंदर कुंज बनाकर राधा रानी बैठी हुई श्याम सुंदर के लिए। जब श्याम सुंदर आते हुए आते हैं, इतने में ललिता विशाखा जैसे क्या चेष्टा करती है कैसे श्री राधा रानी को साथ में कृष्ण को मिलन कराए, उसी तरह जो पद्मा वो कोशिश करती है चंद्रावली को साथ में कैसे बिहार कराए। इतने में चंद्रावली सुंदर कुंजो बनाकर बैठी और राधा रानी भी सुंदर कुंजो बनाकर बैठे, दोनों ही कुंजो बनाकर के बैठे हुए। इतने में पद्मा जब बीच में कृष्ण को दर्शन करती पकड़ लेती है, बोले कहाँ जा रहे हो? हमारी सखी श्री चंद्रावली भी आपके लिए सुंदर कुंजो बनाकर बैठे, चलो। इतने में कृष्ण बहाना बनाते, बोले देखो आज कहीं एक निमंत्रण है और निमंत्रण में हमें जाना है, क्योंकि चंद्रावली कहते दोनों का स्नेह कैसे? रूप गोस्वामी कहते हैं कि घृता स्नेह और एक मधु स्नेह। स्नेह दो तरह का है, एक ततीयता और एक मदीयता। ये प्रेम दो तरह का है, एक घृता स्नेह और एक मधु स्नेह, दो तरह का स्नेह है। कहते राधा रानी का जो स्नेह है कहते ये मधु स्नेह है, और चंद्रावली का जो स्नेह है कहते घृत स्नेह है। घृत समझते हो? जैसे घी आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, उसमें बुरा डाल करके कहते सब्जी भी डालकर खा सकते, लेकिन हनी कहते मधु स्नेह, मधु के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, अब ऐसे खा सकते मिलाकर किसी तरह से आप मधु। इसलिए राधा जी का जो प्रेम है कहते ये मदीयता, और चंद्रावली का जो स्नेह है ना वो तदीयता, मतलब मैं तेरे, राधा रानी का भाव कृष्ण मेरे हैं। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम चंद्रावली प्रेम से भी ज्यादा। अभी कृष्ण बहाना बना रहे हैं राधा जी को पास में आने के लिए, इतने में चंद्रावली बीच में आ गए, बोले कहाँ जा रहे हो? हमें सब बात पता है, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो। अभी जोर जबरदस्ती उनको लेकर चले गए, और इतने में आकाश में तोता, राधा रानी का जो सुख है प्रिया सुखश्री वृषभ अनु जाया। अभी राधा रानी का जो तोता वो तो सीआईडी रूप में घूमता रहता है, वो सीआईडी का काम करता है, कृष्ण कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सारी खबर देता है राधा रानी को। इतने में वो तोता ने देख लिया कृष्ण तो बीच से अपहरण हो गए हैं। इसको देख करके तोता ने राधा जी को बोले हे राधे, तुमने आज जो श्रृंगार की, आज सुंदर जो कुंजो तुमने बनाई, ये सब कैसे बेकार हो गया? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कृष्ण तो बीच से किडनैप हो गए। बोले किसने किडनैप किया? बोले चंद्रावली ने किडनैप कर लिया। बस राधा रानी तो दुर्जय मान करके बैठी जाती है, बैठ कर कभी रो रो करके आंखों से आंसू से कुंड को भर देती है। जब कृष्ण बड़े समय के बाद में चंद्रावली से मिल करके जब आए, इतने में राधा रानी प्रश्न करती है, बोले इतने देर क्यों हुआ? कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले देखो राधे, मैं जल्दी जल्दी तो आ रहा था, आते समय ना एक तमाल वृक्ष के ऊपर में एक माधवी लता को हमने देखा, उसमें ऊपर में गया हुआ। तमाल वृक्ष मेरे स्वरूप है और जो माधवी लता तेरी स्वरूप है, अभी तेरे और मेरे मिलन का मेरी को स्फूर्ति हुई, याद आई तो मैं वहीं पर बेहोश हो गया था, बेहोश हो गया था, इसलिए देर हो गई। बोले देर बेहस हो गया, देर हो गई? बोले हाँ। बोले देर हो गई तो तुम्हारे प्यार में चंद्रावली का जो सिंदूर प्यार में लगा हुआ, बोले सिंदूर कहाँ से आई? ये लाल, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था ना, मेरे प्यार में कांटा चुभ गया, इसलिए खून निकल गया। बात सुनते ही तो राधा रानी को इतने क्रोध आया, बोले नील लोहित, नील कृष्ण नील रंग के, हाँ नील लोहित रुद्र,
इसलिए कहते जो उनका शरीर में सिंदूर लगा नील कृष्णा और रोहित, मतलब उनको सिंदूर लगा हुआ नील रोहित, उनको रुद्र बोल करके वो संबंधन करती, बोले जहां से आए ना अब वहां से चले जाओ, कोई जरूरत नहीं आने का, मेरे को सब कुछ बात बता है। इतने में राधा रानी ने तो बोल दिया, खबरदार ये काले किसी व्यक्ति को अंदर में प्रवेश करने नहीं देना। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये वही स्थान है जहां पर कहते चत किंकरि सुबहु स खलु काकुवाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगनि मार्जनिस्या। प्रबोधानंद सरस्वती यही जगह के लिए कहते हैं जहां पर राधा रानी मान की हुई, कहते हैं अपना सखी मंजरियो को किसी काले व्यक्ति को अंदर में घुसने मत दिया करना। कहती जो भ्रूरु है ना ये भी काली है, चंदन से इसको सफेद बना दो, जो चोटी है उसको फूलों की माला से उसको सफेद बना दो, किसी काले व्यक्ति को अंदर में घुसने नहीं देना। कृष्ण काको तो विनती करते हैं अंदर में घुसने नहीं देते। इतने में कृष्ण क्या करेंगे, फिर वो ललिता को पास में जाती हैं, क्योंकि जब तक ललिता विशाखा की कृपा नहीं हो ना राधा रानी से नहीं मिल सकते। अभी ललिता जब पास में जाती, ललिता क्या चाहती है, इनकी क्या है, इनकी भावना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कर, इनकी भावना है जुगल मिलन का वो, क्यों जुगल मिलन से ही इनका आनंद है। अभी राधा रानी भी दुखी, कृष्ण भी दुखी, दोनों ही दुखी है, अभी इनको जुगल मिलन कैसे कराया जाए। ललिता कहती है देखो श्याम सुंदर राधा रानी भी तुम्हारी विरह में दुखी है। बोले क्या करे बताओ, बोले एक काम करो ये बेस को छोड़ो, छोड़ करके गंधर्वनी रूप धारण करो और ऐसे राग गाओ जिसको सुन करके राधा जी का हृदय द्रवीभूत हो जाए, फिर राधा रानी बुलाएगी ना फिर तो मिलन हो सकता है। फिर श्याम सुंदर यहीं पर गंधर्वणी बनते हैं और क्या राग गाते हैं, इतने सुंदर राग रागिणी गाए, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो गया, पत्थर पिघलना शुरू हो गई, सारे दुनिया बोले त्रिजगत मानस आकर से मुरली कल को जीत, अद्भुत उन्होंने सारे राग को सुन करके। इतने में राधा रानी सुन करके बोले ललिते ये इतने सुंदर राग रागिणी कौन गा रहे हैं जिसको सुन करके मैं हृदय द्रवीभूत हो रहा है। बोले देखो राधे स्वर्ग से एक कोई गंधर्वणी आई है, वो गंधर्वणी ये सुंदर भजन गा रही है, बोले उसको लेकर के आओ, मेरा मन तो सुन करके बड़ा मेरा मन हाँ उसको मिलने से इच्छा हो रही है। तब उन्होंने श्री श्याम सुंदर को जब अंदर में लेकर गए, अंदर में आते ही ना राधा रानी का आधा मान ही खत्म हो गई कि वो कृष्ण है ना और तो और कोई नहीं। बोले तुम क्या जानती हो, बोले मैं जिसका चरण की सेवा करूं जिनकी श्रृंगार कर दूं उनके हृदय की सारे व्यथा दूर हो जाती है, हाँ जो जिसको मैं मालिश कर दूं मेरे सारे व्यथा दूर हो जाता है। कृष्ण स्वयं राधा जी की चरण की सेवा करते हैं, कृष्ण चरण की सेवा राधा जी की चरण की सेवा करते ही स्पर्श करते ही राधा रानी का जितने हृदय में जो विरह था ना वो अपने आप सारे विरह दूर हो गया। कृष्ण राधा रानी सोच रही है जब तक मैं श्याम सुंदर से नहीं मिलती हूँ तब तक मेरे हृदय की व्यथा कभी दूर नहीं हो सकती है, केवल श्याम सुंदर का मिलन से हो सकती है। लेकिन पता नहीं ये सखी की बात मेरे को इतना प्यारी क्यों लगती है, इसका हाथ स्पर्श इतना प्यारा क्यों लगती है और इस शरीर को स्पर्श करते हृदय की सारे व्यथा कैसे दूर हो गई। तो उन्होंने ललिता सखी को इशारा किया, ललिता कौन है, ललिता बोली और कोई नहीं ये श्याम सुंदर ही तेरे को मनाने के लिए रूप धारण किया। बोले एक काम करो इनका सारे, बोले देखो इनको कोई नया वस्त्र धारण कराओ, देखो हम लोग कितने सुंदर अस्त्र अच्छे वस्त्र पहने हैं तो महिला वस्त्र पहनो इसको बदलाओ पहनो। कृष्ण देखा भैया सारे पोल खोल जाएगी अभी हमारी, इतने में बोले नहीं नहीं मैं तो यही वस्त्र पहनूंगा। बोले भैया लड़की को अंदर में लड़की कोई वस्त्र बदलाने के लिए कोई थोड़ा शर्माती थोड़ी कोई शर्म लगता है। इतने में जोर जबरदस्ती उसका सर में जो चुंदरी था ना उन्होंने पूरा के पूरा खोल दिए, जब खोल दिए ना इतने में देखा वो कौन है, वो लड़की नहीं वो कौन है, कहते श्री ये श्याम सुंदर है, कहते ये श्री श्याम सुंदर है। पर यहीं पर श्री राधा कृष्ण की यहीं पर उनको मिलन हुआ। इसलिए कहते कभी अनुमान करके, कभी देख करके और कभी सुन करके तरह तरह से रूपों को स्वामी इसकी इतने व्याख्या उन्होंने बताई। देखो ये चीज को सुनने के लिए हमको तो बड़ी अच्छी लगती है, क्यों कारण क्या, बोले कारण है ये जो मान है ये अपराकृत जगत का ये मान है, लेकिन उसी जगत का जो प्रतिछवि इसी जगत में, अगर उधर नहीं, अगर इसी अगर उधर नहीं होता ना इधर नहीं होता, अगर ये चीज को अगर हम लोग हमारी इसी जगत में नहीं होता है ना, अगर प्रभु की लीला संपूर्ण दिव्य अपराकृत होता हम सुन करके भी हमारे मन में कोई भावना नहीं आता, क्यों
कारण है कि आप वो संपूर्ण दिव्य अप्रकट वाले नहीं, इसीलिए ठाकुर जी इसी जगत में आकर लीला करते हैं, अनुग्रह भक्ता नाम करो में विविध क्रिया। लेकिन यहाँ के मान और वहाँ के मान में कुछ फर्क है, बोले क्या है? आप लोग मान किए हो, सब किसको पता होगा। देखो जैसे इसी जगत में पति पत्नी अगर मान कर ली है, अगर पति टाइम से अगर उसको मान नहीं मनाती, देखना वो मान धीरे धीरे क्रोध में परिणत होगा, और क्रोध करते 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 कभी कोर्ट कचहरी तक चल जाएगा, फिर लास्ट में ना जाकर के डाइवोर्स हो जाएगी, जाकर लास्ट में यही मान ही जाकर डाइवोर्स का कारण बन जाता है। लेकिन उसी जगत का जो मान है ये कभी नहीं होता, बोले क्यों? कहते वो जो मान है वो केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए, कहते ना तथा विप्र लंबे न संभोग पुष्टि मसुनते। इसी जगत में देखना जैसे मान किया, 7-8 दिन तक पति पत्नी में बात ही नहीं हुई, लेकिन उसको बाद में जो फिर बात होती है ना, वो बात बड़ी मीठी लगती है, फिर अच्छी लगती है, फिर उसको बाद में बात कर 7-8 दिन बात, उसको बाद में बात करो ना, फिर एक नया आनंद होता है, एक नया। क्यों? इसी तरह कहते हैं जो उसी जगत का, जो इसी जगत का, उसी जगत का जो मान है, इसी जगत का प्रतीक्षा भी इसी जगत का। कहते ये मान कब होता है? कहते पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये प्रेमावस्था में भगवत दर्शन, जब यही प्रेम घनीभूत अवस्था धारण करता है, फिर ये मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, धीरे धीरे यही प्रेम बढ़ते 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 महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी मान की थी। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं। ये स्थान गुरुदेव कहते थे, जो स्थान ब्रह्मा शंकर के लिए भी ये दुर्लभ स्थान। गुरुदेव कभी कभी कहते थे, जैसे गुरुदेव के साथ में कभी सिर्फ विदेशी भक्त आते थे, गुरुदेव कहते तुम लोग 7 समुद्र पार करके आए, विदेशी लोगों के लिए कहते तुम लोग 7 समुद्र पार करके आए हो, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि यहाँ पर तुम लोग आए, जो कि ब्रह्मा शंकर के लिए भी ये स्थान दुर्लभ स्थान है। इसलिए गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान, हम भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए, यहाँ का चरण धूल लगाओ, यहाँ का एक धूल हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। वंशाकल कृपा सिंधु वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा। अंडर गाइडेंस ऑफ गुरु एंड वैष्णवस वेयर वी असेंबल दिस इज एरिया कॉल्ड मान सरोवर। वी आर सिटिंग अंडर दिस ग्रोव कुंज एंड बैंक ऑफ मान सरोवर। कृष्णा इटर्नल कंसोर्ट श्रीमती राधिका व्हेन बिकेम सल्की ड्यू टू हर सल्कीनेस, tears came from her eyes and became this pond. Why Radhika became sulky? To know this, you have to know Swarup Goswami Pad explained that meetings four types and separation four types. Meeting four types: Sankshipta, Sankirna, Sampurna, Samriddhiman. And Vipralambha, Purvarag, Man, Prabhas, Premvaichitta. So when the Sankirna, Sankshipta, Sampurna, Samriddhiman, here Purvarag, Man, Prabhas and Premvaichitta, one after another is greater and greater. When first will be Purvarag, then meeting will be Sankshipta. Then man will be Sankirna, then when it became man Prabhas, then will be Sampurna, when Premvaichitta, then Milan will be Samriddhiman. This man, this Vipralambha mood, four types, Purvarag, then man two types, Sahaituki and Ahaituki, with cause and without cause. When man with cause, then Krishna is, this is very difficult for Krishna to break Radhika's sulky mood. Without cause, very easy to break. When Radhika's man is with cause, even Krishna
cannot break her sulky mood with her fruit sound also. This ahaituki man means without cause, is three types. Shruta, anumanita, drishta. Shruta means hearing. And drishta means upon seeing, after seeing. And anumanita is inference or guess. So here, when Radhika heard something, then became sulky. Maybe it is true or not, but when Radhika heard, then she became sulky. Then easy to break for Krishna with samajik jokes, this and that. When anumanita with guess, then also easy, but with cause very difficult. Like I am giving example to clear this point. Maharaj is giving very nice explanation. Srimati Radhika made her kunja very nice, very beautiful decorating. Other hand, Radhika's cousin sister Chandravali made her kunja too. In Radhika's side, her prominent sakhi's Lalita is very talkative, prakhara, bam everything. Other hand, Chandravali's prominent sakhi is Padma. She also very expert, very talkative, and very expert. So both sides, they want Krishna will meet with Chandravali, and Lalita want Krishna meet with Radhika. Once, what Krishna did? Krishna was coming to meet with Radhika. Chandravali Sakhi Padma knew this. Somehow other, with other means, by hook and crook, she dragged Krishna to Chandravali's Kunja, Gauri Kunda. Radhika doing Surya Puja, excuse of Surya Puja, she is meeting with Krishna. And other hand, her cousin sister Chandravali, excuse of Gauri Puja, meeting with Krishna in Gauri Kunda. Krishna is there, and so many laughing, joking going on. In the meantime, Radhika's trained parrot, he saw this, that Krishna is meeting there. Impromptu, this party, Sapaksha. Then Lalita became very angry. What? Dabuchi? Inside black, outside black? Is meeting there? What to do? Then Lalita immediately held a meeting. Then give responsibility to Rup Manjari, Rati Manjari, Raman Manjari, Rag Manjari, etc. Bring that black fellow here, So Rup Manjari, she entered the groves of Chandravali and told to Rati Manjari, Raman Manjari, others will hide here and there. So many are hiding there. Going inside there, Rup Manjari make drama. Braj bachao, braj bachao, save braj, save braj. All became stunned. What happened? One big demon in disguise of calf entered all among the calves. Have to go immediate second delay. Otherwise, all calves will be finished from Braj. Again, Braj Bachao became faint. Foam coming from her lips, eyes became like going to die. Then Chandravali Padma, all